गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नया टॉपिक दैट इज इंश्योरेंस प्रिंसिपल। इन आवर प्रीवियस वीडियो हमने इंश्योरेंस के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। हमने इंश्योरेंस के फीचर्स पढ़ लिए थे, उसकी टर्मिनोलॉजीज देखी थी इंश्योरेंस की, हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंश्योरेंस देखे थे कि किस टाइप का इंश्योरेंस होता है, जबकि उनके बारे में डीपली हम नेक्स्ट वीडियोज में आगे पढ़ेंगे दोबारा से बहुत ज्यादा डीपली, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, एक एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस के टाइप के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स बने हुए हैं। सो डेट्स व्हाई आज हम यहाँ पे इंश्योरेंस की प्रिंसिपल्स स्टार्ट करने वाले हैं कि किन पर्टिकुलर बेसिस पर इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज हैं वो टिकी हुई होती हैं, वो क्या बेसिस हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप बहुत ध्यान से देखिएगा, सारे प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। फर्स्ट वन इज एडमिनिटी। एडमिनिटी प्रिंसिपल में क्या कहते हैं, ये प्रिंसिपल कहता है कि सबसे पहली बात जो इंश्योरर और इंश्योर्ड, बेटा मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूंगी इंश्योर्ड और इंश्योरर, इसका मीनिंग आपको पता होगा, टर्मिनोलॉजी में हमने पढ़ लिया था। इंश्योरर पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी की हम यहाँ पे बात करेंगे, जो इंश्योर इंश्योरेंस दे रहा है वो कौन है, इंश्योरर है। जो इंश्योरेंस अपना करा रहा है, ले रहा है, या अपने गुड्स करा रहा है, अपनी प्रॉपर्टी करा रहा है, या अपना सेल्फ का इंश्योरेंस करा रहा है, वो होता है इंश्योर्ड। ठीक, तो यहाँ पर जो हम वर्ड यूज करने वाले हैं, क्योंकि बार बार हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंश्योरर और इंश्योर्ड, इंश्योरेंस कंपनी और द पर्टिकुलर कैंडिडेट। पर्टिकुलर कैंडिडेट कौन है, इंश्योर्ड पर्सन है, उसका इंश्योरेंस हुआ है। राइट, तो यहाँ पर आइडेंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि जो भी पर्टिकुलर हमारा पर्सन है जिसने अपना इंश्योरेंस कराया है इंश्योरेंस कंपनी से, उसको इंश्योरेंस कंपनी सेम एज इट इज पुरानी वाली पोजीशन में ला देगी। पुरानी वाली पोजीशन में जिसमें वो नुकसान से पहले था। सपोज करो आपकी कार थी और आपने अपने कार का इंश्योरेंस कराया हुआ था, बाई चांस आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया। ठीक, तो आपने पॉलिसी ली हुई थी 1,00,000 रुपए की, तो आपने जब क्लेम किया आपको 1,00,000 रुपए मिले और आपने अपनी गाड़ी की क्या करा ली, फिर से रिपेयरिंग करा ली। इट मीन्स दैट जैसे आपकी कार पहले वाली पोजीशन में थी, सेम एज इट इज जो कंपनी थी उन्होंने आपको पहले वाली पोजीशन में पहुंचा दिया, क्योंकि आपको क्या मिल गया, इंश्योरेंस से क्लेम के पैसे मिल गए। जैसे हमें मिली मनी मिली, हमने क्या कर ली, अपनी कार की रिपेयर करा ली। अब यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं लैंग्वेज, टू पुट इन द सेम पोजिशन ही वॉज बिफोर लॉस, मीन्स उस पर्टिकुलर इंश्योर्ड पर्सन को सेम उसी पोजिशन में पहुंचा देना जिसमें कि वो लॉस से पहले था। He was before loss, जिसमें वो loss से पहले था, same उसी condition में हम उसे लेकर जाना है। कहने का मतलब ये है in short कि अगर आपको company से नुकसान, suppose कोई accident हुआ कार का और कार में आपको जो है 10,000 rupees का नुकसान हुआ है कुल मिलाकर के, तो आपको जो company claim करेगी वो 10,000 का ही pay करेगी, या फिर आप अपनी पूरी insurance policy लेना चाहते हैं, claim करना चाहते हैं, तो वो आप पर depend करता है। लेकिन वहां पर क्या है, जितना एक्सीडेंट में नुकसान हुआ है इंश्योरेंस कंपनी आपको केवल उतना ही पे करेगी जिससे आपकी रिपेयरिंग का वर्क कंप्लीट हो पाए। आपको अगर 50,000 का नुकसान हुआ है तो कंपनी आपको पूरे 50,000 पे करेगी, जैसे आपकी पोजीशन पहले थी सेम पोजीशन वैसे ही आपको बाद में भी ला देगी, जिससे कि आपको एक्सीडेंट के बाद रियलाइज ना हो कि हमारा जो है इतना नुकसान हो गया, वो आपको सब कवर कर देगी कौन, इंश्योरेंस कंपनी। ये कहता है इंडेमनिटी प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल की बात करते हैं, वो कौन सा है, गुड फेथ। गुड फेथ मीन्स हमें अच्छा विश्वास रखना है, बहुत अच्छे से ट्रस्ट करके चलना है। अब वो ट्रस्ट की बात किस पर कर रहे हैं, ऑल द डिस्क्लोजर्स टू बी मेड, जितने भी डिस्क्लोजर्स हैं, जितने भी से जैसे छुपाने वाली बातें होती हैं, कुछ तो हमें कुछ भी छुपाना नहीं है, कुछ भी हाइड नहीं रखना है, सारी चीजें सारी जो थिंग्स हैं कंडीशंस हैं उनको डिस्क्लोज करना है, ऑल द डिस्क्लोजर सारे डिस्क्लोजर कर दिए जाने चाहिए फ्रॉम द बोथ साइड, इंश्योरर की तरफ से भी और इंश्योर्ड पर्सन की तरफ से भी, दोनों की तरफ से सारे डिस्क्लोजर होने चाहिए। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी पॉलिसीज में क्या क्या कंडीशंस लिखी हैं, वो सारी कंडीशंस डिस्क्लोज होनी चाहिए। आप उन्हें बताएंगे अगर ऐसी कंडीशन है, इस तरीके का एक्सीडेंट हुआ तो हम आपको क्लेम देंगे, इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ तो हम आपको क्लेम देंगे, इस तरीके का एक्सीडेंट नहीं हुआ तो हम आपको क्लेम नहीं देंगे। ठीक, तो इस तरीके से जो भी आपकी कंडीशंस हैं, किस किस कंडीशन में आप क्लेम देने वाले हैं और किस किस कंडीशन में आप क्लेम नहीं देने वाले हैं, वो सारी कंडीशंस उन्हें खुद खोल करके सारी डिस्क्लोज कर देनी चाहिए किसके सामने, इंश्योर्ड पर्सन के सामने। सेम एज इट इज इंश्योर्ड पर्सन से भी उम्मीद की जाती है कि अगर वो अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है खुद की, तो उसे कंपनी वालों को बताना है कि आपको कोई डिसीज तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो
कि आप कोई डिसीज छुपा जाए और दो इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ले ली 1 करोड़ की, दो साल बाद कंपनी को पता चला कि आपकी डेथ हो गई, आपको तो बीमारी थी, इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपने ली थी तो आपने पता ही नहीं, तो वो चीज गलत है, आपको बतानी चाहिए। आपने जो प्रीमियम दिया होगा तो वो भी सारा फेल हो जाएगा, क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा दोनों के बीच में बिल्कुल वर्ड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो डेट्स व्हाई दोनों को एक दूसरे की जो कंडीशंस है वो पता होनी चाहिए। कोई भी बात आपको एक दूसरे से छुपानी नहीं है, हाइड नहीं करनी है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है ये बहुत अच्छे फेथ पर बनता है। जब तक फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है आपके साथ, आपके बीच में, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को सक्सेसफुली आगे इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते, बहुत ज्यादा इसको चला नहीं सकते। नेक्स्ट जो यहाँ पे बेटा प्रिंसिपल दिया है वो कौन सा प्रिंसिपल है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट का। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स जो पर्टिकुलर पर्सन इंश्योरेंस करा रहा है उसका उसमें क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट होना चाहिए। कुछ इंश्योरेंस में क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट। हमने उसमें पढ़ा था फ्यूचर में एक पॉइंट, ओनरशिप नॉट कंपल्सरी। मीन्स मैं जिस चीज का ओनर इंश्योरेंस करा रही हूँ तो मेरे पास जरूरी नहीं है कि उस चीज की ओनरशिप हो, मैं उस चीज की ओनर होना जरूरी नहीं है। मैं किसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा सकती हूँ, जरूरी नहीं मैं उस, मेरे पास प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस ओनरशिप है, कंपल्सरी नहीं है ओनरशिप, तो मैं इंश्योरेंस करा सकती हूँ। लेकिन ओनरशिप कंपल्सरी नहीं है, बट देयर शुड बी माई इंटरेस्ट। वहां पे मेरा कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए, मेरा फायदा होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का। अगर नुकसान पहुंचा कुछ तो मेरा ये नुकसान होगा, मुझे इतने रुपए का नुकसान होगा। इस पर्टिकुलर पर्सन का अगर कुछ नुकसान हो गया तो मेरा इतना नुकसान होगा। सपोज करो कि जो क्या करते हैं, डेटर्स अपने क्रिएटर्स का इंश्योरेंस करा लेते हैं, क्रिएटर्स अपने डेटर्स को कराते हैं। अगर इस पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो गई तो मेरे तो करोड़ों रुपए डूब जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, उनका इंश्योरेंस करा लेते हैं, अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस कराते हैं। तो इन दैट केस इसमें इसका मतलब कहने का मतलब ये, ओनरशिप जरूरी नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर चीज का जिसका हम इंश्योरेंस करा रहे हैं उससे हमारा कुछ ना कुछ मॉनिटरी इंटरेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इंश्योर्ड शुड हैव सम पेशनरी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। पेशनरी से मॉनिटरी, इंश्योर्ड का उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में कोई ना कोई मॉनिटरी इंटरेस्ट होना चाहिए, वैल्यू से रिलेटेड। कि पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर पर्सन का अगर आपको कोई नुकसान हुआ है, डेटर क्रिएटर करा सकते हैं, हस्बैंड वाइफ से करा सकते हैं, जो सन्स है अपने पेरेंट्स का करा सकते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों का करा सकते हैं इंश्योरेंस, आप अपनी पर्सनल चीजों का करा सकते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करा सकते हैं। वहां पर क्या है, सबका कुछ ना कुछ एक दूसरे से मॉनिटरी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। जहां आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा मॉनिटरी कुछ नुकसान होने वाला है, कैश में नुकसान होने वाला है इस पर्टिकुलर पर्सन की वजह से या इस चीज की वजह से, भले ही हमारा उसमें ओनरशिप ना हो, इन दैट केस हम उसका इंश्योरेंस करा सकते हैं। इसके बाद प्रॉक्सिमेट कॉज की यहाँ पे बात कर रहे हैं। बेटा वर्ड कुछ ये थोड़े से अजीब हैं, वर्ड आपको भारी भरकम से लग रहे होंगे, बट इनका जो मीनिंग है वो बहुत इजी और क्लियर सेंस में जा रहा है, तो आप लोग बिल्कुल भी इसकी चिंता ना करें। प्रॉक्सिमेट कॉज मीन्स एक पर्टिकुलर फिक्स कॉज के लिए, एक पर्टिकुलर फिक्स कॉज, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं एक बार क्या लिखा है, ओनली दोज कॉज विच आर मेंशन इन द पॉलिसी। ओनली दोज कॉज मीन्स वही कंडीशन, वही कॉज, उन पर्टिकुलर कॉज के लिए आपको पेमेंट मिलेगा जो कि पॉलिसी में मेंशन है। जो कॉज पॉलिसी में मेंशन ही नहीं है उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। जैसा पॉलिसी वालों ने कहा है कि फायर इंश्योरेंस है आपका, और अगर गोडाउन में आग लगती है इन दैट केस आपको क्लेम मिलेगा, अगर आग नहीं लगी तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। और उसमें भी कंपनी वाले क्या कर सकते हैं, कंडीशंस लगा सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक है, इलेक्ट्रिक यहाँ पे शॉक हुआ है जिसकी वजह से जो है आग लग गई यहाँ पे, या कुछ वहाँ पे आसपास वर्क पर्टिकुलर होता है जिसकी वजह से वहाँ पे आग लग गई है, तो कुछ भी रीजन वो वहाँ पे कुछ 2-3 रीजन दे सकते हैं। अगर किसी ने जानबूझ के आग लगाई है वहाँ पे तो उसका फिर वो इंश्योरेंस क्लेम नहीं देंगे। मीन्स अगर आपके गोडाउन में चोरी हुई है तो चोरी का क्लेम नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ वो इंश्योरेंस कौन सा था, फायर इंश्योरेंस था। जो पर्टिकुलर रीजन आपकी पॉलिसी में लिखा हुआ है, आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, केवल और केवल उसी एग्रीमेंट की वजह से, उसी कॉज की वजह से अगर नुकसान हुआ है तो आपको इंश्योरेंस की पॉलिसी के पैसे मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ये कहना चाहती हैं यहाँ पे। सो डेट्स व्हाई हमें अपनी पॉलिसी को जब हम इंश्योरेंस करा रहे होते हैं बहुत ध्यान से एक बार
पढ़ लेना चाहिए, रिव्यू कर लेना चाहिए, उसको ध्यान से देख लें, समझ लें और किसी एक ऐसे पर्सन को अपने साथ लेकर जाएं जो इंश्योरेंस काम कराने के लिए जाएं, जो एजुकेटेड पर्सन हो, थोड़ा सा इन चीजों के बारे में जानता हो। नॉन पर्सन के थ्रू ही हमें इंश्योरेंस कराना चाहिए, जो हमारे भी फेवर की बात करें, जो हमारी नॉलेज में ऐसा पर्सन जो इन सब चीजों के बारे में जानते हैं, तो उसको साथ लेकर जाएं जब इंश्योरेंस कराएं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि कंपनी वाले वो छुपा के रखते हैं, हाइड कर लेते हैं, फिर बाद में क्लेम के टाइम पर वो उस चीजों को क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं, फिर बताते हैं कि आपने देखा नहीं था। हमें क्या पता ये चीज भी होती है, हमें तो पता ही नहीं था ऐसा भी होता है। वो लोग क्या करते हैं, फिर बाद में उस चीजों को क्लेम ना देने की वजह से शुरू में छुपा जाते हैं, नया पर्सन है नहीं पता, फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस करा रहे हैं, बाद में उस चीजों को डिस्क्लोज करते हैं वो सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं जो बहुत सारी चीजें छुपी रह जाती है, तो जो वेल नोन पर्सन है हमारी जानकारी के, जो ये सब कराते रहते हैं, उनके कॉन्टेक्ट में रहकर ही हमें ये सारी चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए। इसके बाद प्रॉक्सिमेट पोस्ट के बाद बेटा एक और इसमें इम्पोर्टेंट दिया है, सबोगेशन। ठीक, सबोगेशन में क्या कहना चाह रहे हैं, आफ्टर अमाउंट इज पेड, जब अमाउंट आपने पे कर दी, मीन्स इंश्योरेंस कंपनी ने जो इंश्योरर था उसने क्लेम के अमाउंट किसको दे दिए, इंश्योर्ड को दे दी, क्लेम मिल गया आपको, अमाउंट मिल गई। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरा घर था और घर में बाई चांस आग लग गई, गोडाउन ले लेते हैं, गोडाउन था, गोडाउन में बाई चांस आग लग गई, वहां पे शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां पे बहुत सारा गुड्स रखा हुआ था, आग जल्दी पकड़ी, गारमेंट्स की शॉप थी और जल्दी आग पकड़ी, तो वहां पे क्या हुआ, आग लग गई। जैसे वहां पे आग लगी तो उसके बाद हमने इंश्योरेंस वालों को बुलाया, इंश्योरेंस वालों ने वहां पे जो है एक बार सर्वे वगैरह किया, देखा सारी चीजें, सर्वे करने के बाद वहां पर क्या हुआ, उन लोगों ने जब ये चीजें ठीक लगा उनको कि हाँ यहाँ पर आग लगी थी और आग लगने के बाद यहाँ पे नुकसान हुआ है, तो उन्होंने सारा एक चीजें सर्वे की, इन्वेस्टिगेशन करके हमें पैसे दे दिए, क्लेम के सारे पैसे मिले, जितने का हमारा इंश्योरेंस था, 5 करोड़ का इंश्योरेंस था, हमने 5 करोड़ रुपये सब ले लिए, पैसे मिल गए। अब उसके बाद देखो आगे, प्रॉपर्टी विल बी ऑन बाय इंश्योरर, मीन्स जो प्रॉपर्टी जिसका इंश्योरेंस आपने कराया था वो प्रॉपर्टी किसको, किसकी हो जाएगी, अब इंश्योरर की हो जाएगी। आपको तो उसके पूरे पैसे मिल गए ना, आपने उस प्रॉपर्टी का क्या कराया था, इंश्योरेंस कराया था, इंश्योरेंस के पैसे मिल गए, क्लेम पूरा मिल गया। अब उस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, कंपनी वाले हैं, आप ओनर नहीं हो उसका। सही बात बेटा, समझ में आई? अब उसके ओनर कौन है प्रॉपर्टी का, इंश्योरेंस कंपनी, और कोई पर्सन अब उसमें ओनर नहीं है, राइट। अच्छा, अब आप कहेंगे कि मैम इंश्योरेंस कंपनी कैसे, देखिए जैसे गुड्स था आपका, गुड्स चल गया सारा, खराब हो गया, उसका वहां पे कुछ तो स्क्रैप बचा होगा, कुछ तो होगा वहां पे स्क्रैप, आप उसे किसी पर्टिकुलर पर्सन को कबाड़ी वगैरह में रद्दी में सेल कर सकते हैं, रद्दी में सेल करके आप उसके मनी अर्न करेंगे, लेकिन उस चीज की मनी तो आप पहले ही ले चुके हैं एडवांस में, तो अब ओनर कौन है, इंश्योरेंस कंपनी। वहां जो कुछ भी स्क्रैप बचा है, चाहे आपके घर में आग लगी हो या आपके प्रॉपर्टी में आग लगी, आपके गुड्स में, रॉ मटेरियल में, कहीं पर भी वो गुड्स आपका नुकसान हो गया, खराब हो गया, सपोज कीजिए आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस आपने कराया और गाड़ी इंश्योरेंस में डैमेज हो गई, आपने क्या किया, सारे क्लेम के पैसे ले लिए, आपने 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस करा रखा था गाड़ी का, 50 लाख रुपए सारे ले लिए क्लेम में, गाड़ी के पैसे मिल गए, पूरी कीमत आपके पास आ गई, अब वो गाड़ी कौन ले जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी वाले, पूरा राइट उनका है, अब उनके पास क्या चली जाती है, ओनरशिप चली जाती है गाड़ी की। ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी गाड़ी भी आपके पास रह गई, आपने उसे कबाड़ी बेची, 50,000 रुपए वहां से कमा लिए, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम भी मिल गया, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट द गुड वे। तो वहां पे क्या है, गाड़ी तो इंश्योरेंस कंपनी वालों की हो जाएगी और आपको क्या मिल जाएगा, क्लेम। तो ओनरशिप अब ट्रांसफर हो जाएगी किसके पास, इंश्योरेंस के पास। तो वही प्रिंसिपल ये कह रहा है और ये चीज उनको पहले ही बता दी जाती है, जिसको जो आपके इंश्योर्ड पर्सन है जो इंश्योरेंस करा रहा है, आफ्टर अमाउंट इज पेड प्रॉपर्टी विल बी ऑन बाय इंश्योर्ड इंश्योरर, सॉरी। नेक्स्ट, इसके बाद एक और प्रिंसिपल है बेटा कंट्रीब्यूशन का। कंट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल कहता है, कंट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल किस कंडीशन अप्लाई होगा, सभी कंडीशन पे ये नहीं होता, पहले हम वो कंडीशन देख लेते हैं। देखो तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, टू और मोर इंश्योरर, दो या दो से ज्यादा इंश्योरर, अभी तो हम एक की बात कर रहे थे, एक इंश्योरेंस कंपनी और एक इंश्योर्ड, एक इंश्योरर और एक इंश्योर्ड,
अब दो इंश्योरर कहां से आ गए, दो इंश्योरेंस कंपनी में. दो इंश्योरेंस मींस दो इंश्योरेंस कंपनी. इज इट पॉसिबल? यस ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा. क्यों? जैसे हमारा गोडाउन था और हमने क्या किया, अपने गोडाउन का इंश्योरेंस दो इंश्योरेंस कंपनी से करा लिया. एक हमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो पर्टिकुलर जनरल इंश्योरेंस भी देती थी वहां पर, उनसे करा लिया. एक बजाज अलायंस है, वहां से करा लिया. इसमें दो इंश्योरेंस कंपनी से हमने क्या करा, एक ही गोडाउन का, हमारे पास प्रॉपर्टी तो एक ही है, एक गोडाउन है, उसमें हमारा बहुत कीमती गुड्स रखा हुआ है, बहुत ज्यादा अमाउंट है उसकी, हम नहीं चाहते वो खराब हो, नुकसान हो. तो हमने क्या किया, दो इंश्योरेंस कंपनी से उस पर्टिकुलर गुड्स का हमने इंश्योरेंस करा लिया. एक इंश्योरेंस कंपनी ए है, एक इंश्योरेंस कंपनी बी, दो कंपनी हो गई. अब देखिए, जब आप सपोज करो कोर्स हुआ, आग लगी या फिर चोरी हुई, हमने चोरी का भी बार एग्जांपल सेफ्ट का ले लेते हैं. तो वहां पे सपोज कीजिए कि चोरी हो गई गोडाउन में, हमने सेफ्ट इंश्योरेंस कराया था. इन दैट केस जैसे ही चोरी हुई हमारे गोडाउन में, तो हम क्लेम के लिए जाएंगे. अब हम कौन सी कंपनी के पास जाएं क्लेम के लिए, ए के पास जाएं या बी के पास जाएं, हमने दोनों से इंश्योरेंस करा रहे हैं. दोनों ही कंपनी से ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमने 10 लाख का इंश्योरेंस इससे कराया, 20 लाख का इससे कराया, दोनों को 10 पैसे ले लो, उससे 10 लाख रुपए ले लिए और उससे पूरे 20 लाख रुपए ले लिए. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा क्लेम देंगी. पूरा क्लेम नहीं देंगी. दोनों कैसे क्लेम देंगी, क्या प्रिंसिपल है, कंट्रीब्यूशन का. मींस दैट टू और मोर इंश्योरर, इन द केस ऑफ टू और मोर इंश्योरर, ईच वन विल पे इन द प्रोपोर्शनेट डिसाइडेड. दोनों ही उसको पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में पे करेंगी. उन दोनों के बीच में डिसाइड हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी के बीच में हाफ हाफ पे करें आपको. मीन्स जितने का आपको गुड्स का नुकसान हुआ है, अगर 10 लाख रुपए का गुड्स का नुकसान हुआ है, तो 5 लाख ए कंपनी देगी और 5 लाख बी कंपनी पेमेंट करें. दोनों से आप पूरी पूरी अमाउंट क्लेम में वसूल कर लें और अपना प्रॉफिट अर्न कर लें. प्रॉफिट के मोटिव से इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली जाती है. इंश्योरेंस पॉलिसी में प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ लॉस को कवर करने के लिए दी जाती है. सो दैट्स व्हाई अगर गोडाउन में आपके 10 लाख का माल रखा था, 10 लाख में से 5 लाख का नुकसान हुआ है, तो कंपनी केवल 5 लाख का ही पेमेंट करेंगी दोनों, और वो भी प्रोपोर्शनेट, यानी 2.5 वो पे करेंगे, 2.5 वो पे करेंगी. आपकी मर्जी है, एक से ले लो या दोनों से हाफ हाफ ले लो, लेकिन दोनों कंट्रीब्यूशन में ही करेंगी. ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हैं वो क्या करते हैं कि भाई हमें दोनों से बेनिफिट मिल जाए, दोनों से इंश्योरेंस, दो दो कंपनी से इंश्योरेंस करा लेते हैं और उसके बाद कुछ छुपा जाते हैं. तो बहुत सारी चीजें, देखिए सभी के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए. कभी एक बार सपोज करो हमें नहीं पता, हम ये सोचे कि इंश्योरेंस, अरे ये हमारी हाउस है, हाउस का इंश्योरेंस हमने एक पर्टिकुलर कंपनी से भी करा लिया, दूसरे से भी करा लिया, और क्लेम हम क्लेम लेने तो हम दोनों से पहुंच गए. बाद में सोचा प्रॉफिट होगा, दूसरा घर बनाएंगे बड़ा इसे तोड़ के. अब हुआ क्या, इंश्योरेंस कंपनी के आपस में कॉन्टेक्ट होते हैं, उन्हें पता चल गया कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने मुझसे भी इंश्योरेंस कराया और आपसे भी इंश्योरेंस कराया. बाद में वो क्लेम देने से दोनों ने मना कर दिया. क्यों मना कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ आपने एग्रीमेंट तोड़ा है, आपने इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को पूरा नहीं किया, कंट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल को. तो हो सकता है कोई पर्टिकुलर एक ही कंपनी या दोनों कंपनी मिलकर आपको प्रोपोर्शनेट वे में क्या करें, पेमेंट करें. तो इसलिए हमें इन सारी चीजों को ध्यान से देखना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. एक लास्ट प्रिंसिपल और है बेटा इसका, मिटिगेशन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, नाम थोड़ा अजीब है. मिटिगेशन मीन्स कि आपको क्या करनी है, कोशिश करनी है, अपनी तरफ से ट्राई करना है. क्या ट्राई करना है, क्या कोशिश करनी है? जैसे गोडाउन पर आके गोडाउन में गुड्स में क्या लगी, आग लगी, वहां पे फायर लग गई, बाई चांस शॉर्ट सर्किट हुआ, आपको कॉल आई, आप अपने घर पे थे 8-9 बजे, 10 बजे आपके पास कॉल आई कि गोडाउन में शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई. आप फटाफट से उठ के अपने गोडाउन पहुंचे और घर पे निकलते निकलते ही आप क्या कर सकते थे, सबसे पहले आप फायर ब्रिगेड को कॉल कर सकते थे. आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए थी कि आप फायर ब्रिगेड को कॉल करते, इतने आप वहां पहुंचते फायर ब्रिगेड भी पहुंच जाती, जिससे क्या होता कि वहां पे जो है पानी का इंतजाम होकर तो आग बुझ सकती थी. थोड़ा सा आपका वहां पे क्या होती, सेव होती आपकी मनी. इट मीन्स आपका गुड्स जो है जितना नुकसान हुआ उतना नुकसान नहीं हो पाता. इवन वहां पर जाने के बाद भी जो पर्सन थे वो कुछ कोशिश नहीं कर रहे थे, सिंपल वहां जाके सिंगली खड़े हुए थे एक साइड में,
और जैसे ही वहां पे जा खड़े हो गए, एक पर्टिकुलर पर्सन ने कहा कि अरे फायर ब्रिगेड बुला लो, आग बुझवा लो। आपने कहा नहीं यार, इंश्योरेंस से कोई बात नहीं, जलने दो, इंश्योरेंस से क्लेम मिल जाएगा। तो इट इज नॉट द गुड वे, ये अच्छा तरीका नहीं है, और नॉट द डिसिप्लिन वे, अच्छा गुड मैनर्स भी नहीं है। अगर लॉस आपकी गुड को हो रहा है और आपके सामने गुड पे इंडेक्स के हिसाब से कोशिश करनी है उसको मिनिमाइज करने की, आपको अपने रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। बिकॉज ऑफ जो इंश्योरेंस कंपनी वाले आएंगे वो भी क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे सिनेरियो देखते हैं, वहाँ कभी एक बार चेक करते हैं वहाँ पर सारी चीजें प्रॉपर थी या नहीं थी, जिस टाइम पे आग लग रही थी, आसपास वाले लोगों से पूछताछ करते हैं। अगर कहीं से भी ये पता चला आपका वीक पॉइंट कि आपने फायर ब्रिगेड को बुलाने से मना कर दिया, या आप वहाँ पर प्रेजेंट थे और फायर ब्रिगेड आपने नहीं बुलाई, आपने आग लगने दी, जलने दिया माल, इन दैट केस वो चाहे तो आपकी पॉलिसी भी कैंसिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बार क्या लिखा है, इंश्योर्ड शुड टेक ऑल स्टेप टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी। इंश्योर्ड को अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरे स्टेप लेने चाहिए। जैसे आप अपने घर का इंश्योरेंस कराया है, आपने सख्त इंश्योरेंस कराया है, सपोज करो चोरी का, कि चोरी ना हो घर में, और अपना घर खुला छोड़ के बाहर चले गए घूमने के लिए, घर खुला छोड़ के थोड़ी जाओगे, यार इंश्योरेंस हो रहा है कोई बात नहीं, इतनी प्रॉपर्टी का हमारा क्या हो रहा है, इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा, कोई बात नहीं, होन दो। इट इज नॉट द गुड वे। हमें क्या करना है, अपनी प्रॉपर्टी को, जो भी पर्टिकुलर हमारी प्रॉपर्टी है, उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी है, एज सून एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सकता है उसको मिटिगेशन हमें करने की कोशिश करनी है। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, इन दैट केस अब कोई भी हमारा नेगेटिव पॉइंट इंश्योरर के पास जाता है, तो वो हमारी पॉलिसी कैंसिल भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को टूटने को बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और वॉइड होना उसको जो वो आगे सक्सेस नहीं होगा। तो मिटिगेशन वाले प्रिंसिपल को भी फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है टू मिनिमाइज द रिस्क। हमें ट्राई करना है, कोशिश करनी है कि हमारा जो लॉस है वो कम से कम होना चाहिए। ये कुछ प्रिंसिपल्स थे बेटा सिक्योर इंश्योरेंस के जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो जनरल इंश्योरेंस में फॉलो होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो लाइफ इंश्योरेंस में फॉलो होते हैं, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स भी हो सकते हैं, बट यही वाले प्रिंसिपल्स वहाँ लाए करेंगे। तो इसमें से कुछ हम दोबारा से लाइफ इंश्योरेंस में देखेंगे और कुछ हम जनरल इंश्योरेंस में फिर से देखेंगे, तो उसको हम इन शॉर्ट ही वहाँ पर पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पर डिटेल में हो चुके हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी आपको रह जाती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं पर्सनली। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।